أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإن ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم. سورة آل عمران پانچواں رکوع ترجمہ تفسیر. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. اور جب فرشتے نے کہا اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا की औरत होने के बावजूद बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए भेंट में कबूल फरमाया और यह बात उनके सिवा किसी औरत को न मिली.
इसी तरह उनके लिए जन्नती खाना भेजना, हजरत जकरिया को उनका पालक बनाना, यह हजरत मरियम की महानता का प्रमाण है। और खूब सुथरा किया। मर्द की पहुंच से और गुनाहों से, और कुछ विद्वानों के अनुसार जनाना दोषों और मजबूरियों से, और आज सारे जहान की औरतों से तुझे पसंद किया कि बगैर बाप के बेटा दिया और फरिश्तों का कलाम सुनाया। मरियम अपने रब के हुजूर अदब से खड़ी हो। जब फरिश्तों ने यह कहा, हजरत मरियम ने इतना लंबा कयाम किया, यानी इतनी देर तक नमाज में खड़ी रही कि आपके कदमे मुबारक पर सूजन आ गई और पांव फटकर खून जारी हो गया, और उसके लिए सिजदा कर और रुकू वालों के साथ रुकू कर। ये गैब की खबरें हैं कि हम खुफिया तौर पर तुम्हें बताते हैं। इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब के इल्म अता फरमाए, और तुम उनके पास न थे जब वो अपनी कलमों से कुरा लाटरी डालते थे कि मरियम किसकी परवरिश में रहे, और तुम उनके पास न थे जब वो झगड़ रहे थे। इसके बावजूद आपका इन घटनाओं की सूचना देना ठोस प्रमाण है इसका कि आपको अज्ञात का ज्ञान यानी गैब की जानकारी अता फरमाई गई। और याद करो जब फरिश्तों ने मरियम से कहा कि ऐ मरियम, अल्लाह तुझे बशारत खुशखबरी देता है अपने पास से एक कलिमे की, यानी एक बेटे की, जिसका नाम है मसीह ईसा, मरियम का बेटा, रूदार प्रतापी होगा, बड़ी शान और मान और ऊंचे दर्जे वाला, दुनिया और आखिरत में और कुर्ब समीपता वाला, अल्लाह की बारगाह में और लोगों से बात करेगा पालने में, बात करने की उम्र से पहले और पक्की उम्र में, आसमान से उतरने के बाद। इस आयत से साबित होता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से जमीन की तरफ उतरेंगे, जैसा कि हदीसों में आया है, और दज्जाल को कत्ल करेंगे और खासों में होगा। बोली, ऐ मेरे रब, मेरे बच्चा कहां से होगा, मुझे तो किसी शख्स ने हाथ न लगाया। और कायदा यह है कि बच्चा औरत और मर्द के मिलाप से होता है, तो मुझे बच्चा किस तरह अता होगा, निकाह से या यूं ही बिना मर्द के। फरमाया, अल्लाह यूं ही पैदा करता है जो चाहे, जब किसी काम का हुक्म फरमाए तो उससे यही कहता है कि हो जा, वह फौरन हो जाता है। और सिखाएगा किताब और हिकमत, बोध और तौरात और इंजील, और रसूल होगा बनी इसराइल की तरफ यह फरमाता हुआ कि मैं तुम्हारे पास एक निशानी लाया है जो मेरे नबुव्वत के दावे की सच्चाई का प्रमाण है तुम्हारे रब की तरफ से, कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंद की मूरत बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो वह फौरन परिंद हो जाती है अल्लाह के हुक्म से। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबुव्वत का दावा किया और चमत्कार दिखाए तो लोगों ने दरखास्त की कि आप एक चिमगादड़ पैदा करें। आपने मिट्टी से चिमगादड़ की सूरत बनाई, फिर उसमें फूंक मारी तो वह उड़ने लगी। चिमगादड़ की विशेषता यह है कि वह उड़ने वाले जानवरों में बहुत संपूर्ण और अजीबतर जानवर है, और अल्लाह की कुदरत पर दलील बनने से सबसे बढ़कर, क्योंकि वह बिना परों के उड़ती है और दांत रखती है और हंसती है, और उसकी मादा के छाती होती है और बच्चा जनती है, जबकि उड़ने वाले जानवरों में ये बात नहीं है। और मैं शिफा देता हूँ मादरजात पैदाइशी अंधे और सफेद दाग वाले को, जिसका कोढ़ आम हो गया हो और डॉक्टर उसका इलाज करने से आजिज या अयोग्य हो। चूंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में तिब यानी चिकित्सा शास्त्र चरम सीमा पर था और इसके जानने वाले इलाज में चमत्कार रखते थे, इसलिए उनको उसी किस्म के चमत्कार दिखाए गए ताकि मालूम हो कि तिब के तरीके से जिसका इलाज संभव नहीं है उसको तंदुरुस्त कर देना यकीनन चमत्कार और नबी के सच्चे होने की दलील है। वहब का कौल है कि अक्सर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक दिन में 50,000 बीमारों का जमघट हो जाता था। उनमें जो चल सकता था वह खिदमत में हाजिर होता था, और जिसे चलने की ताकत न होती थी उसके पास खुद हजरत तशरीफ ले जाते और दुआ फरमाकर उसको तंदुरुस्त करते और अपनी रिसालत पर ईमान लाने की शर्त कर लेते। और मैं मुर्दे जिलाता हूँ अल्लाह के हुक्म से। हजरत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 4 व्यक्तियों को जिंदा किया। एक आजिर, जिसको आपके साथ मोहब्बत थी, जब उसकी हालत नाजुक हुई तो उसकी बहन ने आपको सूचना दी, मगर वह आपसे 3 दिन की दूरी पर था। जब आप 3 रोज में वहां पहुंचे तो मालूम हुआ कि उसके इंतकाल को 3 दिन हो चुके हैं। आपने उसकी बहन से फरमाया, हमें उसकी कब्र पर ले चल। वह ले गई। आपने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई। अल्लाह की कुदरत से आजिर जिंदा होकर कब्र से बाहर आया और लंबे समय तक जिंदा रहा और उसके औलाद हुई।
एक बुढ़िया का लड़का जिसका जनाजा हजरत के सामने जा रहा था, आपने उसके लिए दुआ फरमाई, वह जिंदा होकर जनाजा ले जाने वालों के कंधों से उतर पड़ा, कपड़े पहने घर आया, जिंदा रहा, औलाद हुई। एक आशिर की लड़की शाम को मरी, अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उसे जिंदा किया। एक साम बिन नूह जिनकी वफात को हजारों बरस गुजर चुके थे, लोगों ने ख्वाहिश की कि आप उनको जिंदा करें। आप उनके बताए से कब्र पर पहुंचे और अल्लाह ताला से दुआ की। सामने सुना कोई कहने वाला कहता है अजब रूहुल्लाह, यह सुनते ही वो डर के मारे उठ खड़े हुए और उन्हें गुमान हुआ कि कयामत कायम हो गई। इस हॉल से उनका आधा सर सफेद हो गया। फिर वह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और उन्होंने हजरत से दरखास्त की कि दोबारा उन्हें सकरात यानी जान निकलने की तकलीफ न हो, उसके बिना वापस किया जाए। चुनाचे उसी वक्त उनका इंतकाल हो गया और बिज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से फरमाने में ईसाइयों का रद है जो हजरत मसीह के खुदा होने के कायल या मानने वाले थे। और तुम्हें बताता हूँ जो तुम खाते और जो अपने घरों में जमा कर रखते हो। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बीमारों को अच्छा किया और मुर्दों को जिंदा किया तो कुछ लोगों ने कहा कि यह तो जादू है, कोई और चमत्कार दिखाइए। तो आपने फरमाया कि जो तुम खाते हो और जो जमा कर रखते हो मैं उसकी तुम्हें खबर देता हूँ। इसी से साबित हुआ कि गैब के उलूम नबियों के चमत्कार हैं। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक पर यह चमत्कार भी जाहिर हुआ। आप आदमी को बता देते थे जो वह कल खा चुका और आज खाएगा और जो अगले वक्त के लिए तैयार कर रखा है। आपके पास बच्चे बहुत से जमा हो जाते थे। आप उन्हें बताते थे कि तुम्हारे घर अमुक चीज तैयार हुई है, तुम्हारे घर वालों ने अमुक अमुक चीज खाई है, अमुक चीज तुम्हारे लिए उठा रखी है। बच्चे घर जाते, रोते, घर वालों से वह चीज मांगते, घर वाले वह चीज देते और उनसे कहते कि तुम्हें किसने बताया। बच्चे कहते हजरत ईसा ने। तो लोगों ने अपने बच्चों को आपके पास आने से रोका और कहा वो जादूगर हैं, उनके पास न बैठो। और एक मकान में सब बच्चों को जमा कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बच्चों को तलाश करते तशरीफ लाए तो लोगों ने कहा यहाँ नहीं है। आपने फरमाया फिर इस मकान में कौन है, उन्होंने कहा सुअर हैं। फरमाया ऐसा ही होगा, अब जो दरवाजा खोलते हैं तो सब सुअर ही सुअर थे। मतलब यह कि गैब की खबरें देना नबियों का चमत्कार है और नबियों के माध्यम से बिना कोई आदमी गैब की बातों पर सूचित नहीं हो सकता। बेशक उन बातों में तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। और पुष्टि करता आया हूँ अपने से पहली किताब तौरात की, और इसलिए कि हलाल करूं तुम्हारे लिए कुछ वो चीजें जो तुम पर हराम थी, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में हराम थी, जैसे कि ऊंट का गोश्त, मछली, चिड़िया। और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लाया हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरा हुक्म मानो। बेशक मेरा तुम्हारा सबका रब अल्लाह है, तो उसी को पूजो। यह अपने बंदे होने का इकरार और अपने खुदा होने का इनकार है। इसमें ईसाइयों का रद है। यह है सीधा रास्ता। फिर जब ईसा ने उनसे कुफ्र पाया, यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि यहूदी अपने कुफ्र पर कायम हैं और आपके कत्ल का इरादा रखते हैं और इतनी खुली निशानियों और चमत्कारों से प्रभावित नहीं होते, और इसका कारण यह था कि उन्होंने पहचान लिया था कि आप ही वह मसीह हैं जिनकी बशारत तौरात में दी गई है और आप उनके दीन को स्थगित करेंगे। तो जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दावत का इजहार फरमाया तो यह उनको बड़ा नागवार गुजरा और वो आपको तकलीफ पहुंचाने और मार डालने पर तुल गए और आपके साथ उन्होंने कुफ्र किया। बोला कौन मेरे मददगार होते हैं, अल्लाह की तरफ हवारियों अनुयायियों ने कहा। हवारी वो मोहब्बत और वफादारी वाले लोग हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन के मददगार थे और आप पर पहले ईमान लाए। ये 12 लोग थे। हम खुदा के दीन के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप गवाह हो जाएं कि हम मुसलमान हैं। इस आयत से ईमान और इस्लाम के एक होने की दलील दी जाती है। और यह भी मालूम होता है कि पहले नबियों का दीन इस्लाम था, न कि यहूदियत या ईसाइयत। ऐ रब हमारे, हम उस पर ईमान लाए जो तूने उतारा और रसूल के ताबे अधीन हुए, तू हमें हक पर गवाही देने वालों में लिख ले। और काफिरों ने मकर कपट किया, यानी बनी इसराइल के काफिरों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ कपट किया कि धोखे के साथ आपके कत्ल का इंतजाम किया और अपने एक आदमी को इस काम पर लगा दिया।
और अल्लाह ने उनके हलाक की छुपवा तदबीर युक्ति फरमाई और अल्लाह सबसे बेहतर छुपी तदबीर वाला है। अल्लाह ताला ने उनके कपट का यह बदला दिया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया और उस आदमी को हजरत की शक्ल दे दी जो उनके कत्ल के लिए तैयार हुआ था। चुनाचे यहूदियों ने उसको इसी शुबह पर कत्ल कर दिया। मकर शब्द अरब में सतर यानी छुपाने के मानी में है, इसीलिए छुपवा तदबीर को भी मकर कहते हैं। और वह तदबीर अगर अच्छे मकसद के लिए हो तो अच्छी और किसी बुरे काम के लिए हो तो नापसंदीदा होती है। मगर उर्दू जबान में यह शब्द धोखे के मानी में इस्तेमाल होता है, इसलिए अल्लाह के बारे में हरगिज न कहा जाएगा। और अब चूंकि अरबी में भी यह शब्द बुरे मतलब में इस्तेमाल होने लगा है, इसलिए अरबी में भी अल्लाह की शान में इसका इस्तेमाल जायज नहीं। आयत में जहां कहीं आया वह छुपवा तदबीर के मानी में है। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जब जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वाइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।